नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दुपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत कल गए बजट ऊपर सैद्धांतिक बातचीत जारी। आजुक विचार भिनसर 11 बजे के बाद शुरू। पोखरा महानगर के कार्यपालिका आई पूर्णता कर रहा है प्राप्त। पोखरा नगर सभा में एमाले के एकल बहुमत। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आज सौ विमान स्थल से मौसम संबंधी अनुमति लक मात्र उड़ान कर सकवाक केलक निर्णय। रूस यूक्रेन युद्ध के क्रम में 15,000 से बेसी युद्ध अपराध केलक यूक्रेन के आरोप। दैनिक 2 से 3 सौ धर युद्ध अपराध करते आबल यूक्रेन केलक दावी। आई स्पेनिश राफेल नाडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में कलन प्रवेश। पूरा समाचार। सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत कल गए बजट पर सैद्धांतिक बातचीत जारी है। बजट पर के सैद्धांतिक परिचर्चा में भाग लेते सांसद सब बजट वितरण मुखी भेल आरोप लगौलन कतेको भूमिका परिवर्तन भेल संगे टिप्पणी नहीं बदलवाक लेल अनुरोध कलन। आजुक बैसार भिनसर 11 बजे बैसल। तहिना राष्ट्रीय सभा के बैसार आई दुपहर 1 बजे बैसत। संसद सचिवालय जनौलक दुनू सदन के बैसार में सरकार द्वारा जेठ 15 गते संसद में पेश कल गए आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 ऊपर सैद्धांतिक चर्चा जारी है। बजट ऊपर सांसद सब अपन अपन धारणा व्यक्त करैत आबि रहल छथि। सरकार जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष के लेल 17,93,83 करोड़ रुपया के बजट आनलक छल। पोखरा महानगर के कार्यपालिका आई पूर्णता प्राप्त करत। मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय बुध दिन कार्यपालिका के निर्वाचन तय कलक। संविधानतः पोखरा के कार्यपालिका में 8 गोटे नवका सदस्य और नियुक्त कल जात। 5 गोटे महिला सदस्य आ 3 गोटे दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सदस्य के रूप में निर्वाचित होत। हुनका सबके ऐसा पहिने निर्वाचित भेल नगरसभा सदस्य सब मतदान करतन। बैसाख 30 कते के निर्वाचन अनुसार पोखरा के नगरसभा में एमाले के एकल बहुमत है। 167 सदस्य सब में से एमाले के उपमेयर सहित 87 गोटे सदस्य छथि। मेयर सहित गठबंधन के 81 गोटे मतदाता छथि। बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल अन्य नीति तथा कार्यक्रम ऊपर आय चर्चा भ रहल अछि। नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के चर्चा के लेल दोपहर 2 बजे के लेल प्रदेश सभा के बैसार के आह्वान कयल गेल अछि। बैसार में सांसद सब दलगत रूप में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर अपन अपन धारणा व्यक्त करतन। सोम दिन बागमती प्रदेश के प्रदेश प्रमुख यादव चंद्र शर्मा सरकारक दिस से आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम सदन में प्रस्तुत केने छला। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आप सौ विमान स्थल से मौसम संबंधी अनुमति लक मात्र उड़ान क सकबाक निर्णय कलक। जेठ 15 गते पोखरा से जमसम के लिए उड़ल तारा एयर के विमान दुर्घटना भेल संगे प्राधिकरण एहन निर्णय कलक। इससे पहले मौसम संबंधी निर्णय विमान स्थल से लेब पड़वा कानूनी बाध्यता नहीं छल। नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली 2058 के परिच्छेद 10 में ये अधिकार प्रमुख चालक के होबाक प्रावधान छल, मुदा अब चालक के अधिकार विमानस्थल प्रमुख या ओहिठामक टावर सबके देवाक निर्णय लेल गेल। प्राधिकरण के प्रवक्ता चंद्रलाल कर्ण बतौलनि अछि ओ VFR उड़ान के संदर्भ में एहि सं पहिने प्रस्थान विमानस्थल आ गंतव्य विमानस्थल सबके मौसम के आधार में उड़ान के अनुमति देल जायत छल, मुदा आ प्रस्थान आ गंतव्य धरि के एयर रूट के मौसम साफ भेला पर मात्र विमान उड़ाब सकबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि अछि। सो मौसम को विचार गरेर संबंधित विमानस्थलहरु गंतव्य में जान दिने र नदिने भनेर अब यो अधिकार विमानस्थललाई चाहिँ दिएको चाहिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली 2058 को परिच्छेद 10 मा
पहिले यो अधिकार पाइलट इन कमान्ड भन्नाले प्रमुख चालकलाई हुन्थ्यो भने अब त्यो चालकमाथिको त्यो अधिकारलाई अब विमानस्थल प्रमुखहरू वा भनौँ न कि त्यहाँका टावरहरूलाई यो अधिकार दिएको चाहिन्छ। प्रवक्ता कर्ण नेपालक विविध विमानस्थल समेत जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के यूनिट सब कार्यरत रहल आ यूनिटे सब के सुझाव के आधार में विमान उड़ रहल सेहो स्पष्ट कलन। आब आर्थिक समाचार। पिछला किछ समय में वाणिज्य बैंक सबके कर्जा आ निक्षेप दुनू में सुधार होइत जा रहल अछि। वाणिज्य बैंक सब जेठ महीना के दोसर हफ्ता धरि निक्षेप आ कर्जा लगानी दुनू में वृद्धि केलक अछि। नेपाल बैंकर्स संघ जेठ 13 गते धरि के विवरण सार्वजनिक करैत निक्षेप में 13 अरब के वृद्धि भेल जनौलक अछि। जेठ के पहिल हफ्ता 7 अरब सँ वृद्धि भेल निक्षेप दोसर हफ्ता 6 अरब सँ बढ़ि गेल अछि। बैसाख के अंतिम हफ्ता 43.70 अरब रहल निक्षेप पिछला किछु समय में 43.83 अरब पहुँचल अछि। तहिना कर्जा लगानी 7 अरब सँ वृद्धि भेल संघ जनौलक अछि। बैसाख के अंत में 41.91 अरब रहल कर्जा लगानी एखन 41.98 अरब पहुँचल अछि। हाल वाणिज्य बैंक सब के औसत सीडी रेशियो 90.41% रहल सेहो संघ जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस युद्ध के क्रम में 15,000 से बेसी युद्ध अपराध केलक कहि कऽ यूक्रेन आरोप लगौलक अछि। रूस दैनिक 200 से 300 धरि युद्ध अपराध करैत आबि रहल यूक्रेन दावी केलक अछि। विविध देश के अभियोजनकर्ता सब द्वारा कयल गेल अध्ययन अनुसंधान के क्रम में संदिग्ध अपराधी सब के सूची में रूसी सेना राजनीतिज्ञ सब समावेश भेल देखल गेल अछि। मुदा रूस युद्ध अपराध में अपन संलग्नता नै रहल आ नागरिक के निशाना नै बनाओल गेल दावी करैत आबि रहल अछि। 15,000 युद्ध अपराध सबमे सँ 600 सँ बेसी संदिग्ध अपराधी के पहचान समेत भऽ गेल यूक्रेनक तर्क अछि। 80 टा घटना विरुद्ध अभियोजन दर्ता सेहो कयल गेल अछि। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक कृष्ण कुमार कुन्नथ के निधन भेल अछि। कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट कऽ रहल समय हृदयघात भेलाक कारण 53 वर्ष के उम्र में हुनकर निधन भऽ गेल। सन 1968 अगस्त 23 तारीख के दिन एक हिंदू मलयाली माता पिता सीएस मेनन आ कुनाथ कनकवल्ली के घर नया दिल्ली में जन्म भेल के पार्श्व गायन में आबै सँ पहिने करीब 3,500 जिंगल गेने छला। ओ सन 1999 के विश्व कप क्रिकेट के समय में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन के लेल जोस ऑफ इंडिया नाम के गीत गौने छला। म्यूजिक एल्बम पॉल सँ गायक के रूप में करियर शुरू करनिहार के एह के बादे बॉलीवुड में प्रवेश केने छला। करीब 700 से बेसी गीत गाबि चुकल के सन 2000 के दशक के भारत के सर्वाधिक सफल गायक छला। आप खेलकूद समाचार। शीर्ष वरीयता के सर्वियन नोवाक जोकोविच के पराजित करैत पाँचम वरीयता के स्पेनिश राफायल नाडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कलनि। फ्रांस के पेरिस स्थित रोला ग्यारो में मंगल दिन रात में भेल क्वार्टर फाइनल खेल में स्पेन के नाडाल चिर परिचित प्रतिद्वंदी सर्वियन टेनिस खिलाड़ी जोकोविच के 3-1 के सेट में पराजित करैत सेमीफाइनल में प्रवेश कलनि। नाडाल अब सेमीफाइनल में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर वेरेव संगे प्रतिस्पर्धा करता। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सौ फेर सौ एक बेर। सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत कल गेल बजट पर सैद्धांतिक बातचीत अछि जारी। आजुक विचार भिनसर 11 बजे के बाद भेल शुरू। पोखरा महानगर के कार्यपालिका आइ पूर्णता कऽ रहल अछि प्राप्त। पोखराक नगर सभा में एमाले के एकल बहुमत। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आब सँ विमान स्थल सँ मौसम संबंधी अनुमति लऽ कऽ मात्र उड़ान कऽ सकबाक केलक निर्णय।
रूस यूक्रेन युद्ध के क्रम में 15,000 से बेसी युद्ध अपराध कलक यूक्रेन के आरोप। दैनिक 200 से 300 धरी युद्ध अपराध करे आबल यूक्रेन के लक दावी। आई स्पेनिश राफेल नाडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में कलन प्रवेश। अखन के लिए मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।